हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। ट्रंप ने बंद की मदद तो पाक ने चीन के आगे फैलाए हाथ, बोला $2 अरब का कर्ज दे दो। अमेरिका द्वारा इस्लामाबाद को दी जाने वाली मदद की रकम काफी कम कर देने के बाद पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर में फंसता जा रहा है। इससे उभरने के लिए उसने चीन की तरफ हाथ फैलाते हुए कम से कम $1 से $2 अरब का कर्ज दोबारा मांगा है। माना जा रहा है कि जुलाई आम चुनाव के बाद पाक को IMF का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। पाक के प्रमुख अखबार ड्वन के मुताबिक चीन द्वारा पाक को दिया गया कर्ज इस साल जून तक $5 अरब तक पहुंचने वाला है। इस कर्ज का उपयोग पाक अपने कम होते विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में करना चाहता है। यह भंडार पिछले साल $16.4 अरब के मुकाबले पिछले सप्ताह मात्र $10.3 अरब तक रह गया है। अखबार के मुताबिक पाक में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इस साल जुलाई में आम चुनाव के बाद पाक को 2013 के बाद अपने दूसरे बेलआउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से सहायता मांगनी पड़ सकती है। ड्वन ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से पुष्टि की है कि पा $2 अरब तक की फंडिंग के लिए बीजिंग से बात कर चुका है और संभवत जल्द उसे यह मदद मिल जाए। पिछले सप्ताह ही पाक सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के 3 बैंकों से भी करीब $20 करोड़ का कर्ज मांग है, जो उसे बैंक ऑफ दुबई, अमीरात NBD और नूर बैंक से 1 साल के लिए मिलेगा। चीन ने $50 करोड़ कर्ज में पाक को दी राहत। पाक द्वारा चीन से दूसरी बार कर्ज मांगने की खबरों के बीच पाक अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर दी है कि बीजिंग ने इस्लामाबाद को $50 करोड़ के कर्ज की शर्तों में छूट देने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने पाक को जून 2012 में यह कर्ज दिया था, जो अगले माह परिपक्व होने वाला है। चीन ने इसकी परिपक्वता अवधि 1 साल और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यद्यपि पाक इस रकम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सिर्फ उसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए है।